आइए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने सॉल्व किया था, और यहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि ठीक से आपकी समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ टेन ए इक्वल कॉट बी, तो प्रूव करना है हमें ए प्लस बी इक्वल 90। तो जो पहले हमने फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं को लेकर के चलेंगे। ये हमारा गिवन है टेन ए इक्वल कॉट बी। तो दोस्तों यहां टेन को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, 90 माइनस ए की वैल्यू कॉट 90 माइनस वैल्यू की वैल्यू 10 ए ही होगी। तो ये कॉट बी ऐसा ही उतारेंगे, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए इक्वल बी, अर्थात 90 इक्वल ये बी है और ए इधर को लाएंगे तो उठा के प्लस का हो जाएगा। अब इसको साइड चेंज कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल 90। इस प्रकार से हमारा ये जो हमें सॉल्व करना था, आंसर प्रूव करना था, वो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है सेक 4a, सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इसमें 4a की वैल्यू जो है वो एक्यूट एंगल है, अर्थात लेस देन 90 है, तो हमें a की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो जैसे हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था उसी से मिलता जुलता फार्मूला, सेक 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि 90 में वैल्यू चेंज होती है तो कोसेक का सेक हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 4a है तो 4a ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो कोसेक a माइनस 20 है उसको हम ऐसे ही उतारेंगे, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 90 माइनस 4a इक्वल ए माइनस 20, अर्थात 90 और ये 20 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। ये a है तो 4a जो माइनस का था वो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा और ये 5a। तो और आगे सॉल्व करेंगे इसको, साइड चेंज कर लेंगे, 5a इक्वल 110, तो a बराबर हो जाएगा 110 अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 22 डिग्री ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, यानी किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है वो ए बी सी हैं, तो उसमें हमें प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस ए अपॉन 2। तो जैसा कि हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 इन ए ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जैसा कि प्रूफ में हम देख रहे हैं कि बी प्लस सी अपॉन 2 लाना है, यानी कि एक साइड में बी प्लस सी लाना है, तो बी प्लस सी को हम ऐसे ही उतारेंगे और 180, और ए को उठा करके हम राइट साइड में ले आएंगे। अब हमें अपॉन 2 भी लाना है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो बी प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस ए अपॉन 2, तो ये बी प्लस सी अपॉन 2 ऐसे ही रखेंगे और 2 को दोनों के नीचे रख देंगे, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2, ये डिवाइड करके 90 आएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2। अब हमें प्रूफ में
हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें साइन और इधर कॉस ये हमें रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पुट साइन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू, और यहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए अपॉन टू। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल 90 में वैल्यू चेंज होती है तो साइन का हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू। इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू, यही इसका आंसर होगी क्वेश्चन नंबर 6 का। अब लास्ट सम हमारा है एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो इसमें हमें जो करना है इसको हमें एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 45 के बीच में ही हमें सॉल्व करना है इसे। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 23, अर्थात 23 और 67 का सम जो होता है वो 90 होता है, 90 में से अगर 23 माइनस कर दें तो 67 आएगा। उसी प्रकार कॉस 90 में से अगर 15 माइनस कर दें तो 75 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 में वैल्यू चेंज होती है तो साइन का कॉस 23 प्लस, तो कॉस की वैल्यू साइन हो जाएगी साइन 15, ये हमारी वैल्यू होगी, यही आंसर होगा, जिसमें देखते हैं कि 23 भी 0 और 45 के बीच में है और 15 भी 0 और 45 के बीच में है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन होगा। तो ये था सेकंड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की बुक क्लास 10। अगली वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।